राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे गंगा दशहरा। बहुत ही पवित्र दिन है गंगा दशहरे के दिन। क्या करना चाहिए, किस दिन है गंगा दशहरा और गंगा दशहरे के में किन चीज़ों का दान करें जिससे कि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अनजाने में किए हुए दोष पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा दशहरा 30 मई का है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है कि वो लोग गंगा जी में स्नान कर पाएं। तो आपके घर में, सभी के घर में गंगा जल तो ज़रूर होता है, तो आप नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और अपने मंदिर में गंगा जल, क्योंकि इस दिन गंगा जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और गंगा आरती करनी चाहिए, जिससे कि गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और फ्रेंड्स, आप किस तरह अपने घर में रहकर भी गंगा जी का पूजन कर सकते हैं, तो आप अपने घर में एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसमें फूल चढ़ाइए, आरती धूप दीप लगाकर उसके सामने और अच्छे से आप गंगा आरती करें। उसी में आप अपने मन में भाव ये रखकर पूजा करें कि हम गंगा जी के सामने ही खड़े होकर गंगा जी की आरती कर रहे हैं, तो आप उस तरह से गंगा जी की आरती कीजिए, तिलक रोली चंदन सब अर्पित कीजिए और फिर गंगा आरती करें। उस गंगा जल को अपने पूरे घर में छिड़के और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। गंगा दशहरा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। गंगा दशहरा इस बार 2023 में मंगलवार का 30 मई का गंगा दशहरा है और अगले दिन निर्जला एकादशी है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। मंगलवार के दिन गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन गंगा की पूजा करना बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, बहुत ही पुण्यदायक होता है। तो फ्रेंड्स, और किन चीज़ों का दान करें गंगा दशहरा के दिन, 10 चीज़ों का दान करना चाहिए गंगा जी में, 10 चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जैसे 10 तरह के फूल, 10 तरह के फल का भोग लगाए गंगा जी को अर्पित करें। उसी तरह से 10 चीज़ों का दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो जैसे 10 चीज़ों में आप 10 तरह का अन्न, जैसे ना चावल दाल होती है कई तरह की, तो आप 10 तरह का अन्न इकट्ठा करके उसको दक्षिणा रखकर दान करें, तो उसका बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं जाने अनजाने में किए हुए पाप दोष कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही अधिक शुभ फलदायक माना गया है 10 चीज़ों का दान करना। जैसे 10 तरह के फलों का दान करें, जैसे आप 10 चीज़ों का, उसमें चप्पल है, जूते हैं, आप जैसे चप्पल कपड़े कुछ भी 10 चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, दाल चावल खाने पीने की चीज़ें, फल कपड़े इस तरह की कुछ भी आप 10 चीज़ें इकट्ठी करके, मतलब संख्या 10 होनी चाहिए, इस तरह से आप 10 चीज़ों का दान करें तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है इस तरह से दशहरे के दिन दान करना। और गंगा जी का पूजन ज़रूर करें अपने घर में। जो लोग गंगा जी पर जाकर स्नान करें और गंगा आरती करें, गंगा पूजा करें, गंगा जी में 10 तरह के फूल, 10 तरह की चीज़ों का अर्पित करें, तो वो बहुत ही शुभदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। गंगा दशहरे के दिन गंगा मैया का विशेष पूजन किया जाता है, गंगा मैया का दिन होता है गंगा दशहरा। तो फ्रेंड्स, और जो लोग नहीं जाकर गंगा जी पर हरिद्वार या कहीं भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अपने घर में, हर किसी के घर में गंगा जल होता है, तो फ्रेंड्स अपने घर में ही आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइए और स्नान करें, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़के और एक कटोरी में गंगा जल लेकर उसका पूजन, आप गंगा मन में भाव लाकर गंगा जी का पूजन करें। इस तरह से भी आप अपने घर में गंगा जी की आरती अच्छे से पूजन करें, उनको फूल फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप लगाकर नैवेद्य से अच्छे से गंगा आरती करें, गंगा पूजन करें, इस तरह से भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस तरह से आप गंगा दशहरे के दिन अपने घर में रहकर भी गंगा जी का पूजन आरती कर सकते हैं विधि से। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की।